हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं रामपाल सिंह आज आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंदों का परिचय कराऊंगा। रस प्रकरण के बाद अब हम छंदों पर चर्चा करेंगे और आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित छंद हैं उनका हम एक एक करके क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, उनको उदाहरण सहित समझते भी चलेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी पूर्व की भांति पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छंद, छंद के सबसे पहले छंद का या छंद के अंदर जाने से पहले हमें छंद की परिभाषा जान लेनी चाहिए। छंद क्या है? ठीक, यद्यपि पूछा कम ही जाता है लेकिन फिर भी जब हम किसी कॉन्सेप्ट में प्रवेश करते हैं तो उसके मूल को तो समझ ही लेना चाहिए। ठीक, तो छंद का मतलब होता है, देखिए, लय, तुक, लय, तुक, यति, गति, मात्राओं, वर्णों, लय, तुक, यति, गति, मात्राओं, वर्णों आदि की शर्तों पर आधारित रचना को छंद कहते हैं। साधारण शब्दों में इसे गाना, गीत आदि भी कहा जाता है। तो लय, तुक, यति, गति, मात्राओं, वर्णों आदि की जो गिनती होती है या आदि की जो शर्तें होती हैं उनके आधार पर जो रचना की जाती है उसे छंद, गीत, गाना, पद्य, कविता आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जिसमें लय हो, तुक हो, यति हो, गति हो या मात्राओं, वर्णों आदि की शर्तें हों कि इतनी इतनी मात्राएँ आनी चाहिए, इतने इतने वर्ण आने चाहिए, तो वहाँ पर उसे हम कह सकते हैं कि ये छंद है या ये पद्य है या ये कविता है, गीत है या गाना है। ठीक, जैसे कोई चीज़ को हम साधारण तरीके से बोल रहे हैं तो वो गद्य में आ जाएगी और यदि उसी को थोड़ा सा एक लच्छेदार और एक संगीतात्मक भाषा में बोल दें तो वो पद्य हो जाता है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम अपने घर गए और जाकर के बोले कि बहुत जोरों की भूख लगी है और लाओ जल्दी से खाना लगा दो, तो ये बिल्कुल साधारण तरीके से कह दिया, ये जो मैंने कहा ये गद्य हो गया। यदि इसी को हम थोड़ा सा संगीतात्मक या लयबद्ध कर दें तो वो पद हो जाएगा, है ना। जैसे हम कर दें कि खाना लाओ भूख लगी है, करो ना बिल्कुल देर, ये बन गया लो छंद। ठीक, तो मतलब जिसमें लय हो, तुक हो, है ना, यति हो, गति हो, मात्राओं और या वर्णों की कोई निश्चित शर्त हो उसी पर आधारित रचना को छंद, गीत, गाना, पद, कविता आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए छंद की परिभाषा के बाद हम देखेंगे छंद के भेद। ठीक, छंद के भेद या
छंद के भेदों को देखने से पहले हम इन्हें और देख लेते हैं जो मैंने अभी लिखाया था कि लय, तुक, यति, गति, मात्रा, वर्ण या आखिर हैं क्या। ठीक, तो देखिए लय, लय क्या है? तो लय कहलाती है संगीतात्मकता। ठीक, संगीतात्मकता, संगीतमय प्रस्तुति जो है वो क्या कहलाती है? लय, है ना। जो जैसे अभी मैंने कहा ना कि हम कह रहे हैं बढ़िया लय में एक बना करके कि भूख लगी है खाना लाओ करो ना बिल्कुल देर, हो गया लो लय। ठीक, उसी को सीधे सीधे कहते हैं, कह दें अगर हम कि भूख लगी है ना, और जल्दी से खाना लगा दो, देर मत करो, तो ये बिना लय के है। तो लय का अर्थ होता है संगीतमय प्रस्तुति। अच्छा, तुक, ठीक, तुक होती है जब चरण के अंत में, चरण के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति, समान वर्णों की आवृत्ति, ये क्या कहलाती है? तुक। ठीक, और इसी को हम एक अनुप्रास अलंकार का भेद भी मानते हैं, जब अलंकार पढ़ाए जाएंगे आपको तो बताया जाएगा। तो तुक का मतलब है चरण के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति। जब किसी छंद के चरण पूरे हो जाएं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उस छंद के अंत में जो समान वर्ण आ जाते हैं उसे बोलते हैं तुक, है ना। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ना आया ना, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो देखिए ऊन ऊन, उधर सून इधर चून, यानी ऊ और ना, ऊ और ना, ये दोनों पदों में आ रहा है, तो यही कहलाएगी आपकी तुक। ठीक, अब बात करते हैं हम यति की। यति, ठीक, तो यति का मतलब होता है विराम। क्या होता है? विराम। ठीक, जब हम सांस लेने के लिए, ठीक, थोड़े समय के लिए, थोड़ी समय के लिए श्वास लेने के लिए जब हम रुकते हैं तो वो कहलाती है यति। ठीक है ना, या विराम, विराम का मतलब ठहराव। ठीक, जैसे हम कहते हैं कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो देखिए जब मैंने रहमन पानी राखिए के बाद और थोड़ा सा ठहराव लिया था वो कहलाती है यति। ठीक, इसके बाद आता है आपका, मैंने एक शब्द प्रयोग किया था गति। ठीक, तो गति जो है ये स्पीड पकड़ना, गति का मतलब स्पीड। ठीक, तो जब हम ठहरे फिर इसके बाद फिर से हमने स्पीड पकड़ी तो वो कहलाती है गति। गति का मतलब है और लयबद्ध यानी प्रवाह, प्रवाह से हम इसको करेंगे, प्रवाह, प्रवाह माने फिर से बह जाना, फिर से स्पीड पकड़ लेना। ठीक, हाँ, जैसे रहमन पानी राखिए, रुके हल्का, बिन पानी सब सुन, तो बिन पानी सब सुन फिर से स्पीड पकड़ ली। ठीक, तो ये कहलाती है गति। तो लय, तुक, यति, गति। ठीक, अब बात आती है मात्रा या वर्ण की। ठीक, मात्रा या वर्ण की। ठीक, तो देखिए मात्रा और वर्ण के आधार पे ही हम छंद के भेद कर पाते हैं। ठीक, तो मात्राओं की जहाँ तक बात करें हम, तो मात्राएँ होती हैं ह्रस्व मात्रा। ठीक, अगर हम बात करते हैं मात्रा की, ठीक, तो मात्रा जो होती है वो दो तरह की होती है, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक, और यदि हम वर्ण की बात करते हैं छंद में, तो वर्ण के भी दो भेद होते हैं, लघु वर्ण और गुरु वर्ण, लघु वर्ण और गुरु वर्ण। ठीक, तो अब हमें इसको इस तरह से समझना है, क्योंकि छंद हम बच्चों तभी समझ पाएंगे जब हमें इस ह्रस्व दीर्घ लघु गुरु आदि का ज्ञान हो जाएगा। अगर हम यही नहीं जानेंगे कि कौन सा वर्ण लघु है और कौन सा वर्ण गुरु है, या कौन सी मात्रा ह्रस्व है या कौन सी मात्रा दीर्घ है, तो फिर हम छंद में आगे ना बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा ह्रस्व मात्रा होती क्या है। ठीक, तो देखिए ह्रस्व कौन कौन सी मात्राएँ होती हैं, दीर्घ कौन कौन सी मात्राएँ होती हैं,
या लघु वर्ण कौन होता है और दीर्घ वर्ण कौन होता है। ठीक, देखिए ह्रस्व मात्रा। ठीक, तो ह्रस्व मात्रा का मतलब होता है जिन वर्णों में छोटी मात्रा लगी हो, छोटी मात्रा लगी हो। ठीक, वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व वर्ण। ठीक, या नंबर दो, शब्द के अंत में हलंत लगा हो, शब्द के अंत में हलंत लगा हो तो वो भी छोटी मात्रा कहलाती है। ठीक है ना। तीसरा है, जिस वर्ण पर ये हो आपका चंद्रबिंदु। ठीक, जिस वर्ण पर चंद्रबिंदु हो वह भी छोटा मतलब ह्रस्व। ठीक, वह भी ह्रस्व होता है। तो ये ह्रस्व के हैं नियम। ठीक, और यही ठीक नियम होते हैं लघु वर्ण के भी, बिल्कुल ठीक, कि जिनके अंत में छोटी मात्रा लगी है उसे हम कहें तो ह्रस्व मात्रा भी कह सकते हैं, ह्रस्व वर्ण या लघु वर्ण। ठीक, अब बात करते हैं दीर्घ मात्रा या दीर्घ वर्ण की। ठीक, गुरु वर्ण की। तो दीर्घ मात्रा जो है, देखिए दीर्घ मात्रा नंबर एक तो यही है कि जिन वर्णों में क्या हो, बड़ी मात्रा हो। ठीक, अब बड़ी मात्रा हो मतलब बड़ा की मात्रा हो। ठीक, अभी मैं सबके एग्जाम्पल यहीं बगल पे लिखूंगा तो आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, नंबर दो, जिस वर्ण पर ये हो, ये क्या कहलाता, अनुस्वार। समझिए, ये चंद्र है, ये अनुस्वार, ये चंद्रबिंदु, ये अनुस्वार। तो चंद्रबिंदु अगर है तो लघु, और यदि अनुस्वार है तो गुरु, भले ही चाहे वो छोटा अक्षर हो। ठीक, तो जिस वर्ण पर अनुस्वार हो, ठीक, वह भी गुरु हो जाता है। ठीक, तीसरी बात है, जिस वर्ण के बाद विसर्ग आए हो, ये कहलाते हैं विसर्ग। ठीक, जिस वर्ण के बाद विसर्ग हो वो भी दीर्घ होता है। ठीक है ना। अच्छा, नंबर चार, संयुक्त अक्षर के पूर्व का वर्ण, यानी संयुक्त अक्षर यदि है तो उसके जस्ट पहले का अक्षर है, भले ही छोटा हो लेकिन उसे हम बड़ा यानी दीर्घ और गुरु मानेंगे। ठीक, ये कुछ नियम हैं, इससे आप, ठीक, जैसे मैंने लिखा पहले, देखे उदाहरण से, पहले मैंने क्या लिखा, जिन वर्णों में छोटी मात्रा लगी हो। ठीक, जैसे हम कहें रति। ठीक, अब रति में पूछा जाए रा कैसा है, तो रा को कहेंगे हम ये एकमात्रिक है। ये ता कैसा है, इसमें भी छोटी की मात्रा लगी तो ये भी क्या है, एकमात्रिक है। ठीक, अच्छा, अब है बात शब्द के अंत में यदि हलंत लगा हो, जैसे हम कहें राजन। ठीक, तो राजन में रा तो क्या है, गुरु है। ठीक, जा में कैसी मात्रा लगी, छोटे आ की, तो ये छोटा हो गया। ना में हलंत लगा तो ये भी लघु ही माने ह्रस्व माना जाएगा। ठीक, अब बात आती है जिस वर्ण पर चांद हो वह भी ह्रस्व। ठीक, तो जिस वर्ण पर चांद हो, जैसे हम कहें
हंस हंस प्यारे, ठीक। तो यहाँ देखें हा पे क्या है, ये एक मात्रक है, एक मात्रा कहा जाएगा, यानी छोटा सा भी छोटा है, ठीक है ना, इस तरह से हंस। और यदि देख लें यही इसको अगर हम लिख दें हंस, तो ये हाफ दो मात्राओं का हो गया, ठीक। चंद्रबिंदु आ गई तो दो, नहीं तो एक। लेकिन ध्यान रखना कि आप इसका मतलब ये ना समझ लेना जैसे मैं लिख दूँ चांद तो आप चा की एक माने, नहीं, वो तो वैसे ही उसमें दो हैं, बड़ा आ लगा है ना, तो बड़ा आ है तो वो पहले लिख दिया कि जिन वर्णों में बड़ी मात्रा हो, तो वो तो चांद बड़ा आ पहले ही लगा है, तो वहाँ पर नहीं कन्फ्यूज होना है। यदि छोटा है अक्षर और उस पर बिंदु और चंद्र बिंदु की कन्फ्यूजन होती है, तो उस स्थिति में आप छोटे अक्षर पर यदि इस तरह की बिंदी है तो वो बड़ा माना जाएगा, और छोटे अक्षर पे यदि इस तरह की बिंदी है चंद्र बिंदी तो उसे फिर हम लघु मानेंगे, बस ये ध्यान देना है, ठीक। अब इधर आ जाइए जरा, दीर्घ यानी लघु गुरुवर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों में बड़ी मात्रा हो, है ना, जैसे तमाशा है ना, मदारी। तो देखें ये क्या है, छोटा आ लगा है तो ये एक, इसमें बड़ा आ लगा है तो दो, इसमें बड़ा आ लगा है तो दो, इसमें छोटा एक, इसमें बड़ा दो, इसमें बड़ी ई दो, ठीक। तो जिनमें बड़ी मात्रा लगी हो उसकी दो, ठीक। ये निशान होते हैं लगाने के, ये छोटे का निशान है, ये एस लगा दें तो बड़े का निशान है, ठीक। अच्छा अगला है जिस वर्ण पर अनुस्वार हो, इसे क्या बोला जाता है, अनुस्वार, ठीक। हाँ उसे भी क्या कहते करते हैं, बड़ा मानते हैं, ठीक। जैसे हम कहें नंद, है ना, तो यहाँ ना को एक ना गिन लेना, इसे क्या गिनना है, दो, ठीक। हाँ इस तरह से, ठीक, नंद दो, हंस तो हा की दो, ठीक, कुंती तो का की दो, भले ही छोटी ऊ लगी है लेकिन इस बिंदी की वजह से, इस अनुस्वार की वजह से ये सब क्या हो गए आपके, दो दो हो गए, ठीक। अच्छा इसके बाद मैंने लिखा है कि जिस वर्ण के बाद विसर्ग हो, ठीक, तो वो भी बड़ा माना जाए। तो जिस वर्ण के, जैसे हम कहें अतः, ठीक, तो आ की तो एक है, ता चूंकि छोटी मात्रा का, लेकिन विसर्ग के कारण इसे बड़ा गिनेंगे हम, ठीक, अतः ये माना जाएगा, ठीक। अच्छा इसके बाद है संयुक्त अक्षर के पूर्व का वर्ण, यहाँ पे बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक। जैसे हम लिख दें तक्षक, ठीक, तो कई बहुत से बच्चे इसको गुरु मान लेते हैं, ये ऐसा लिख देते हैं, ये गलत है। बच्चे कहते हैं कि ता छोटा है और क्षत्रिय का क्ष बड़ा है, ये गलत है। संयुक्त अक्षर के पूर्व का वर्ण यानी ये बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं, ठीक है ना, संयुक्त अक्षर के पूर्व का वर्ण, ठीक। जैसे हम कहें उच्च, तो ये ऊ के हमें दो लेना है क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है ना, चा ओके चा, ठीक। या यह समझ लें कि आधा अक्षर यदि किसी शब्द के बीच में आता है तो उस आधे अक्षर के जस्ट पहले वाला जो अक्षर है उसके हमें चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको गुरु मानना है, यानी दो मात्राओं वाला मानना है, ठीक, समझ गए होंगे, ठीक। तो इस तरह से अगर हमने ये वर्णों को गुरु लघु और छोटा बड़ा समझ लिया है तो समझ लीजिएगा अब आपके लिए छंद बहुत ही आसान होने वाले, बहुत ही आसान, मिनटों में आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक। बस ये थोड़े जो नियम हैं छोटे बड़े और लघु गुरु के, वो हमें सीख लेने होते हैं, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं वही जो मैं कह रहा था, छंद के भेद, छंद के भेद, ठीक। तो छंद के बच्चों एक्चुअली में होते हैं तीन भेद, कितने होते हैं, तीन भेद, कौन कौन से, एक तो होता है आपका मात्रिक छंद, क्या होता है, मात्रिक छंद, ठीक। एक होता है आपका वार्णिक छंद, क्या होता है, वार्णिक छंद, ठीक। और एक होता है आपका मुक्त छंद, क्या होता है, मुक्त छंद। इस तरह से छंद के तीन भेद हो जाते हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद
और मुक्त छंद है, जिसमें मात्राओं की गणना हो, यानी जिनमें मात्राओं की शर्तें हों कि इतनी मात्राएं होंगी तो ये माना जाएगा, उतनी मात्राएं होंगी तो वो माना जाएगा, ठीक। तो जिनमें मात्राओं की शर्तें लगी हों, जिनमें मात्राओं की गणना की जानी है, वो क्या कहलाएगा? मात्रिक छंद। और जिनमें वर्णों की गिनती की जाती है वो वार्णिक छंद। और जिसमें ना तो मात्राओं का कोई बंधन होता है और ना ही वर्णों का कोई बंधन होता है, वो कहलाता है मुक्त छंद, ठीक। तो आराम से आप इसको चाहे तो परिभाषित कर सकते हैं कि जिनमें मात्राओं का बंधन होता है या जिन छंदों के लिए मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और जिन छंदों में वर्णों का बंधन होता है, अर्थात जिनके लिए वर्णों की गणना की जाती है, वो वार्णिक छंद है। और जो हर तरह की शर्तों से मुक्त होता है, ना जिसमें मात्राओं का बंधन हो ना जिसमें वर्णों का छंद बंधन हो, वो कहलाता है आपका मुक्त छंद, ठीक। तो इस तरह से आप तीनों छंद के तीनों भेदों को जान पाए। अब देखिए मात्रिक छंद भी फिर से बट जाता है तीन भागों में, ठीक। हाँ, ये फिर तीन भागों में बट गया। मात्रिक छंद में होता है, एक होता है आपका सममात्रिक, क्या होता है? सममात्रिक छंद, ठीक। एक होता है आपका अर्धसम, अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक, अर्ध सममात्रिक छंद। और तीसरा होता है विषममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, राइट। अब सो देखते हैं सममात्रिक छंद क्या है। तो देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि प्रत्येक छंद में लगभग चार पद होते हैं। लगभग का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं अपवाद भी मिलते हैं, जैसे कुंडलिया है तो वो छह चरणों में हो जाती है ना, तो छह भी हो सकते हैं, लेकिन प्रायः प्रत्येक छंद में चार ही चरण होते हैं या जितने भी हैं, छोड़िए उस चीज़ को। ये समझिए आप कि जब छंद के प्रत्येक चरण में, जब छंद के प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं हों तो वो कहलाता है सम। सम माने समान मात्रिक, सम मात्रिक समान मात्राओं वाला छंद। अर्थात जैसे मान लो किसी छंद के पहले चरण में 17 मात्राएं हैं या 20 मात्राएं हैं और हर चरण में 20 ही 20 हों तो वो सममात्रिक। जैसे चौपाई आपने देखी होगी, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, चार चरण होते हैं, चारों में 16 16 होती हैं, इसलिए वो सम हैं क्योंकि सभी में समान हैं। अर्धसम, अर्धसम का मतलब होता है आधा सम, ठीक, आधा तीतर आधा बटेर जैसा, ठीक। तो आधा सम हो जो अर्धसम मात्रिक छंद है, कैसे? जैसे चार चरण हुए तो जिसके पहले और तीसरे यानी फर्स्ट एंड थर्ड मैं एक जैसी मात्राएं हों और दूसरे और चौथे यानी सेकंड और फोर्थ में एक जैसी मात्राएं हों, वो कहलाते हैं आपके अर्ध सममात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद ये होते हैं जिसके प्रत्येक चरण में भिन्न भिन्न तरह की मात्राएं निकलें, ठीक, तो वो विषम मात्रिक छंद है, समझिए। तो जिसके सभी चरणों में एक जैसी मात्राएं हों, समान मात्राएं हों, वो सममात्रिक छंद है। जिसके सभी चरण, वो जिसके पहले और तीसरे चरण में समान और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं हों, वो क्या है? आपका अर्ध सममात्रिक छंद। और जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या अलग अलग हो, वो विषम मात्रिक छंद होता है, ठीक। इसके बाद आप इधर आ जाइए वार्णिक छंदों की तरफ, ठीक। तो वार्णिक छंद भी बट जाते हैं, ठीक, वार्णिक छंद भी क्या होते हैं? बट जाते हैं, ठीक। किस तरह से? ये भी उसी तरह बटते हैं, समवार्णिक, समवार्णिक और विषमवार्णिक, ठीक, सम विषम ये भी बटते होते हैं, सम छंद और विषम छंद। और मुक्त छंद कुछ नहीं होता, मुक्त तो आपको बताइए है कि मुक्त है वो, तो उसमें जब कोई शर्त ही नहीं है, जैसे आजकल के आधुनिक कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त ले लें, सुमित्रानंदन पंत ले लें, है ना, तो इनकी या जयशंकर प्रसाद आदि हैं, तो इनकी कविताओं में कोई गेयता होती नहीं, कोई मात्राओं या वर्णों का कोई भी बंधन होते ही नहीं है, है ना। कहो पहली लाइन में 8 वर्ण हो, दूसरी में वर्णों की संख्या 13 पहुंच जाए, तीसरी में फिर 7 बचे, चौथी में 12 हो जाए, तो मतलब कोई
बंधन नहीं होता, इसलिए मुक्त छंद के कोई भेद भी नहीं हो सकते। ठीक, तो इस तरह से देखिए छंद कितने प्रकार के, तीन, मात्रिक, वार्णिक, मुक्त। ठीक, फिर मात्रिक के तीन, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषममात्रिक। फिर वार्णिक के भी दो, समवार्णिक और विषमवार्णिक छंद। ठीक, मुक्त का कोई भी भेद नहीं। ठीक, चलिए अब हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले हमें क्या सीखना है, मात्रिक छंद, और हर परीक्षा में ये आपके पूछे जाने वाले छंद हैं। हर तरह की परीक्षा में ये मात्रिक छंद का एक ना एक दो प्रश्न आता ही है। ठीक, तो सबसे पहले डाल लो मात्रिक छंद। ठीक, तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना के आधार पर है। ठीक, तो ये तो मैंने अभी अभी बताया है कि वो तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सम, अर्धसम और विषम। तो यहाँ मुझे अलग अलग उनकी कैटेगरी नहीं दिखानी है, मुझे एक साथ उसी में सब मिला के उदाहरण देने हैं, और आपको उसी में मुझे लिखाना है कि ये कौन सा है, और सिद्ध भी करूँगा सामने। ठीक, तो सबसे पहले इसमें आप लिख लीजिएगा कौन सा, चौपाई छंद, कौन सा, चौपाई छंद। ठीक, चौपाई छंद। चलिए एक प्रश्न तो यहीं से तैयार हो गया, कैसा आपसे पूछा जा सकता है कि चौपाई कैसा छंद है, मात्रिक छंद है कि वार्णिक छंद है कि मुक्त छंद है, तो आपको उत्तर लगाना है कि चौपाई मात्रिक छंद है। ठीक, अच्छा अब आगे देखते हैं क्या और मिलता है। देखिए चौपाई छंद की परिभाषा क्या है, देखें गौर से, इस एक सेकेंड, यह है एक कैसा छंद है, सममात्रिक, सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। ठीक, इसको भी अंडरलाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी एक प्रश्न बन गया कि चौपाई कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। ठीक, यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं, चार चरण होते हैं। ठीक, अब देखिए चार चरण होते हैं तो ये भी, और सममात्रिक भी है, तो समझ लीजिएगा कि चारों चरणों में समान मात्राएं होंगी। ठीक, तो जिसमें चार चरण होते हैं, सभी चरणों में, यानी चारों में सभी चरणों में कितनी, 16-16 मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक, बस ये उसका लक्षण है क्या, कि चौपाई छंद का यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो तो समझ लेना आप कि वो चौपाई छंद है। ठीक, जैसे देखो मैं नीचे उदाहरण लिख रहा हूं, एग्जाम्पल ये, चली संगलय सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी। सोह सोह नवलु नवल सॉरी नवल तनु सुंदर सारी। देखत रूप चकित
नर नारी, ये हो गया ठीक। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, देखत रूप चकित नर नारी। चलिए देखते हैं 16-16 होती हैं कि नहीं। देखिए एक चरण था आपका, ये हो गया ठीक है, जहाँ एक फुल स्टॉप लगा है वो एक चरण हो गया। दूसरा चरण आपका ये हो गया, तीसरा चरण आपका ये हो गया, और चौथा चरण आपका ये हो गया ठीक। चलिए इसमें कितनी लघु यानी एक मात्रा, इसमें दो, इसमें दो, क्योंकि अंग लगा है ना ये बिंदी, इसलिए दो। गा में एक, लय में दो, सा में एक, खी में दो, सा में एक, इसमें दो, इसमें दो, आप गिन सकते हैं। देखिए एक और दो, तीन, दो पाँच, एक छः, दो आठ, एक नौ, दो ग्यारह, एक बारह, दो चौदह और दो सोलह हो गई हैं। इधर भी देखो, दो एक एक, दो एक एक, दो एक एक, दो दो ठीक। तो देखिएगा दो एक तीन, एक चार, दो छः, एक सात, एक आठ, दो दस, एक ग्यारह, बारह, दो चौदह और दो सोलह। आप इधर भी देख सकते हैं, दो एक 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 एक, अब देखिए ये आधा अक्षर आ गया ना। तो आधा अक्षर में भले ही छोटी सु है, लेकिन इस आधे अक्षर की वजह से हम सु के कितनी लेंगे, दो, और दा की एक, रा की एक, सारी बड़ा सा बड़ी री ठीक, गिन सकते हैं आप ठीक। देखिए दो एक तीन, तीन छः, दो आठ, दो दस, दो बारह और चार सोलह। इधर देख सकते हैं आप, दो एक एक, दो एक 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 एक, दो दो, यहाँ से आप गिन सकते हैं, दो दो चार, चार तीन सात, सात तीन दस, दस दो बारह, बारह चार सोलह। आप देख रहे हैं कि इसके चारों चरणों में 16-16 मात्राएं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह चौपाई छंद है, और यही हमें लिख देना है अपने स्पष्टीकरण में ठीक। ऐसे ही लिखेंगे हम जब आएगा कि चौपाई छंद को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो आपका यहीं से शुरू हो जाएगा, लिख देंगे हेडिंग में चौपाई छंद। यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं तथा सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे कि अब लिख दिया आपने उदाहरण, ये वाला चली संग लय, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये वाला, बहुत सी चौपाइयाँ हैं, आप रामचरितमानस को उठा लीजिएगा तो मंगल भवन अमंगल हारी से लेकर के तमाम चौपाइयाँ मिलेंगी ठीक है ना। तो ये नहीं है कि जो मैंने लिखी वही याद करके पहुँच जाए, हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि चार चरण चाहिए होते हैं हमें, दो दो चरण तो सबको याद होते हैं ना। आप में से बहुतों को याद होगा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहुसु दशरथ अजर विहारी, अब इसके आगे ना होगा, जबकि अभी केवल दो ही चरण हुए हैं, तो चार चरणों वाली चाहिए हमें, तो इसलिए मैंने ये चार चरणों वाली लिख दी है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे याद कर सकते हैं, अन्यथा अपना उदाहरण भी सेट कर सकते हैं, बशर्ते 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। अब एक अलग बात देखिए, इसमें क्या होता है चौपाई में, कि जब पहला चरण ख़त्म होता है तो एक फुल स्टॉप लगाया जाता है ठीक, और जब दूसरा ख़त्म होता है तो दो लगाए जाते हैं, तीसरा चरण ख़त्म होता है तो एक लगाया जाता है, और चौथा होता है तो दो लगाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है चौपाई की ठीक। और एक चीज़ देखेंगे, प्रत्येक चरण का जो अंतिम वर्ण है वो हमेशा गुरु मिलेगा। देखो देखो देखो, बड़ा बड़ी नी, बड़ी नी, बड़ी री है ना। तो ये कुछ विशिष्ट पहचान है जिससे हम देखते ही बता सकते हैं कि फला छंद में कौन सा छंद है ना। तो ये दीर्घ मिलेगी आपको ठीक, नाथ संबोधन भैयन हारा बड़ा है ना, मंगल भवन अमंगल हारी बड़ी ई, तो बड़ी ही मिलेगी ठीक। तो इस तरह से आपकी ये चौपाई छंद क्लियर हुआ ठीक। अब चलते हैं अगला छंद देखते हैं। अगला जो छंद है वो है हमारा दोहा छंद। क्या है? दोहा छंद।
मात्रिक छंदों में ही चल रहे हैं अभी बच्चों, वो इसलिए मिटा दिया गया कि उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मात्रिक छंद ही है। तो ये है आपका दोहा छंद है, ठीक। ये भी बहुत आसान और सरल होने वाला है आपके लिए। देखिएगा दोहा छंद की परिभाषा क्या है। तो देखिए दोहा छंद एक्चुअली में है क्या, यह ना तो सम है ना विषम है, ये ना सम है और ना ही विषम है, बल्कि क्या है ये, यह एक अर्धसम, ठीक। क्या है ये, अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम है, बस ध्यान रखना, ठीक। अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं। चार चरण, चरण का मतलब जैसे हमारे शरीर में पांव होते हैं ना, ऐसे छंद को अगर हम शरीर मान लें तो छंद के चरण हो गए, जहाँ पे उसकी एक लय एक तुक खत्म होती है, ठीक। तो जिसमें चार चरण होते हैं, ठीक। अब देखिए अर्धसम है, तो मैंने अर्धसम का बताया ना आपको कि इसके पहले और तीसरे में समान होंगी और दूसरे और चौथे में समान होंगी, ठीक। तो देखें इस पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं और चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं। ठीक। ये दोहा का लक्षण है, कैसे कि यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं और जिसके पहले और तीसरे चरण में कितनी, तेरह तेरह मात्राएं, और इसी पहले और तीसरे चरण को बच्चों विषम चरण कहा जाता है, ठीक। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि पहले और तीसरे नहीं लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि जिसके विषम चरणों में तेरह तेरह मात्राएं और सम चरणों में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं, ठीक। तो यदि पहले तीसरे नहीं लिखना चाहते तो आप विषम चरणों में लिखें, और यदि दूसरे और चौथे नहीं लिखना चाहते तो आप सम चरणों में लिखें, ठीक। तो यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं, विषम चरणों में तेरह तेरह मात्राएं और सम चरणों में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं, ठीक। जैसे अब देखते हैं उदाहरण, जैसे अब आप कबीरदास जी को उठा सकते हैं, आपको जितने बिहारी दास की सत्सई में 700 दोहे हैं चाहे जिसको उठा लें, ठीक। या मैं चलिए यहाँ उठाता हूँ, तुलसी पावस के समय रही कोकिलिन मौन, अब तो दादुर बोल है हमें पूछ है कौन, ठीक। तो ये हो गया आपका दोहा छंद, रही कोकिलिन मौन, अब तो दादुर बोल हैं हमें पूछ है कौन।
ठीक। तुलसी पावस के समय रही कोकलिन मौन, अब तो दादुर बोल हैं हमें पूछे है कौन। तुलसीदास जी यह कह रहे हैं कि जब पावस का महीना आता है ना, पावस का मतलब होता है बरसात, तो रही कोकलिन मौन, कोकिल बेचारी मौन हो जाती है, चुप, चुप्पी साध लेती है, चुप। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि जब बरसात का समय है तो अब तो दादुर बोल हैं, दादुर मतलब मेढक, तो अब तो मेढकों का समय है, तो मेढक ही बोलेंगे, अब हमें पूछ है कौन, अब हमारी पूछ कौन है, कौन पूछेगा हमें। अर्थात कहने का ये है कि जहाँ पर मूर्खों का जमावड़ा हो जाए वहाँ विद्वानों को चुप्पी साध लेनी चाहिए, क्योंकि मूर्खों की टर्र टर्र में कोयल की, विद्वानों की कूक कोई नहीं सुनना चाहता, ये कहना चाह रहे हैं। खैर देखते हैं यहाँ पर कि क्या ये दोहा छंद है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तू छोटी, तू है तो छोटा, छोटा ला है एक, बड़ी सी है ना दो, बड़ा पा दो, छोटा वा एक, एक दो, एक एक एक, ठीक। ये एक चरण यहाँ ख़त्म हो गया, ये कॉमा लगा है ना, इसमें फुल स्टॉप नहीं लगता है, इसमें क्या लगता है आपका, अल्पविराम लगा करता है, ठीक है ना। तो तुलसी पावस के समय, एक चरण ख़त्म, रही कोकलिन मौन, एक दो दो, एक 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 दो एक, ठीक। चाहे तो आप गिन सकते हैं, इनको भी पहले लिख लें, एक एक दो दो, एक एक दो एक दो, एक दो दो, एक दो दो एक, ठीक। हाँ, जो मात्रा संबंधी यदि आपको लगे कि नहीं थोड़ा गड़बड़ हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मात्राओं को अभी छांटने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके समाधान पा लेंगे, ठीक है। चलिए गिनते हैं, ये चारों चरण हो गए, तो एक चरण कितना हमारा, इतना, ठीक है, इतना है। चलिए गिने, एक दो दो चार दो छः सात आठ दो दस दो तीन तेरह, राइट। और इधर गिने, एक दो तीन दो पाँच एक छः सात आठ दो दस और एक ग्यारह, ठीक। इधर गिने, दो दो चार दो छः सात आठ दो दस और तीन तेरह, ठीक। इधर गिन लें, एक दो तीन दो पाँच एक छः दो आठ दो दस और एक ग्यारह। देखिए पहला चरण कौन है, ये पहले चरण में कितनी है, तेरह, ठीक। तीसरे चरण में कितनी है, तेरह, ठीक। तो हो गया ना वही, पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह, देखो ये इधर भी तेरह इधर भी तेरह। अब ये दूसरे चौथे, तो दूसरे में कितनी, ग्यारह है, और चौथे में कितनी, ग्यारह है। दूसरे और चौथे में चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं, बन गया आपका दोहा छंद, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको लिखाया वही आपको याद करना है, आप अपने हिसाब से किसी भी छंद को, आप मैंने बताया बिहारी दास जी की जो बिहारी सतसई है वो पूरी तरह से दोहों से भरी पड़ी है ना। बतरस लाल असलाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करत भौहन हसत दैन कहत निट जाए, है ना। और चाहें तो कबीरदास जी की साखी उठा लें, तो उसमें केवल और केवल दो ही मिलेंगे, ठीक। तो आज हमारे देखिए छंद, छंद की परिभाषा और छंद के भेद, छंद के लिए प्रमुख आवश्यक शर्तें, छंद के अंग और दोहा तथा चौपाई छंद, इतना तमाम हुआ है। और आशा करते हैं बच्चों अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। और यदि मात्रा संबंधी कोई समस्या आती है तो बच्चों आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि पहली बार में मात्राएं छांटने में हो सकता है कि समस्याएं आएंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे हिसाब से यहाँ ये मात्राएं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल आपको उसका समाधान दूंगा, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपके लिए अच्छे और एकदम परीक्षा उपयोगी वीडियो लाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और लाइक कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को
ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।